परम प्रेमा इसी ठाकुर मोर जगत जननी इसी लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बरदा परम पूज्यपाद शिशि दादा अजीर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में अनंत कटि प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करना चाहता हूँ, दीक्षा लेने और स्कूल में भर्ती होना एक ही बात है, इसके बारे में कुछ उदाहरण देकर आपके सामने मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो आध्यात्मिक होने से नहीं चलेगा, इष्ट केंद्रिक बनना होगा। तो दीक्षा लेने और स्कूल में भर्ती होना एक ही बात है। शिक्षा का प्रथम शस्त्र है नाम लेना, पहला शस्त्र है नाम लेना। जैसे हम उदाहरण एक के बाद बोलता हूँ कि फुटबॉल खेलना सीखना है हम लोग को, तो जो फुटबॉल हम सीखेंगे तो किसी कोच के पास जाना पड़ेगा, खुद तो नहीं सीखेंगे ना, खुद तो सीख ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक कोच के पास जाना है। जो सिखा सकता है वैसे कोच के पास जाना है, और जो नहीं सिखा सकेगा किसी भी अगड़ बगड़ वाले टीचर के पास जाएंगे तो वो हम सीख नहीं पाएंगे। तो जो सिखा सकेगा अच्छा टीचर के पास हम लोग को जाना पड़ेगा, वो जैसा बतलाएंगे वैसा ही करना पड़ेगा हम लोग को। जब जीवन का पाठ पढ़ने जाते हैं तब गुरु की बात मानकर चलते हैं, वो अभ्रंत है, मतलब वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो वो गुरु हैं। उनके पास हर तरह का टेक्निक, हर तरह की समस्या उनके पास है। यो जो कह देंगे वही करना पड़ेगा हम लोग को, उसी में कल्याण होगा। क्या करने पर कल्याण होगा ये भी ही जानते हैं वो। जो हम लोग के लिए कल्याण होगा वो सब कुछ वो गुरु ही जानते हैं, वो जैसा करने कहेंगे वैसा ही करेंगे। एक छोटा तुक बोले, जजन जजन इष्टभूति, करने से कटे महाभीति। उनके साथ युक्त होकर लोगों को आदर्श में युक्त करेंगे हम लोग। हम तो युक्त होंगे और कुछ लोगों को भी हम लोग युक्त करेंगे, सब मिलजुल कर बच्चे रहेंगे, हम लोग सब बच्चे रहेंगे, किसी को हमको छोड़ना नहीं है। हम भी बचेंगे दूसरों को भी बचाएंगे। परम चेतना में उन्नति होकर बनने का यही पथ है। इसी तरह से आएगा सोशल बिकमिंग, सामाजिक रूप से सभी बड़े बने, सबको हम बड़ा बनाने के लिए कोशिश भी करेंगे। आत्म केंद्रिक होने से नहीं चलेगा, इष्ट केंद्रिक बनना होगा हम लोग को, सबको इष्ट केंद्रिक होना पड़ेगा, और इष्ट केंद्रिक होने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मैं कोच के मैंने जो बारे में उदाहरण दिया, तो फुटबॉल खेल सीखने गया, जाने से ही खेल नहीं सीख जाऊंगा, जाने से एक नहीं सीख गया, उसके लिए हमको गुरु जो बताएंगे उसको करना होगा। कोच जो बताएंगे फुटबॉल खेल सीखने के लिए, कोच जो बताएंगे वैसा करना रहना होगा, क्योंकि कंटिन्यू उसको करना होगा हम लोग को। जो बताएंगे वो प्रैक्टिस फील्ड में कर दे और दूसरी बार हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जो कोच बताएंगे वो कंटिन्यू निरंतर हम लोग को करना होगा, हैबिट करना होगा, अभ्यास करना होगा। जीवन के क्षेत्र में ठाकुर जैसा करने वाले हैं वैसे ही करें। क्यों? जजन जाजन इष्टभूति परायण होकर प्रैक्टिस व अभ्यास करना होगा। जैसे कोच बताएंगे, जो फुटबॉल सिखाने के लिए कोच जो बताएंगे उसको हमको जैसे अभ्यास करना पड़ेगा, उसी तरह ही ठाकुर जो जजन जाजन इष्टभूति कहे हैं उसको हम लोग को निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि हम लोग अभ्यास करेंगे तो हम लोग ऊर्ध्वमुखी होंगे, अरे अभ्यास नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो हम लोगों के किसी तरह चलना होगा। ठाकुर हम लोग को क्या दिए हैं, सत्यानुसरण में सहज तरह से बतलाए हैं। सत्यानुसरण ऐसा एक बात किताब है जो स्वयं प्रभु ने लिखे हैं, और वो जितना भी समस्या है सब सत्यानुसरण में ही समाधान है। ठाकुर को प्रेम करो, विश्वास करो, ठाकुर जैसा बोले हैं वैसे ही नियंत्रित होकर चलो। इसी के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकती है।
महाजीवन के अधिकारी हो सकती है। तो गुरु को विश्वास करना पड़ेगा, उन्हीं का बताया हुआ रास्ता में हम लोग को चलना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग सक्सेस होंगे। और जब तक बताएं जो जजन जजन इष्ट होती हमको बताए हैं उनको यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हम सबसे मूर्ख छात्र रहेंगे। तो हम लोग जब उन्नति करेंगे अच्छा छात्र बनने के लिए, तो जो स्कूल में हम एडमिशन लिए हुए हैं, जो मेन मेकिंग इंस्टीट्यूट जो है सीसी ठाकुर जी का, जो मनुष्य तैयार कारखाना, इसी में हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं। हमको इसको अभी अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? जजन जाजन इष्टहुति। तो ये बात आप लोग को कैसे लगा मेरे को कमेंट में बताइएगा, और मैं इसे नए नए बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। इतना कहकर रहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।